छात्र सेना विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय महासचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में आयकर चौराहा दरभंगा में छात्रों के रूम रेंट माफी संबंध महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षोत्तर कर्मचारियों के बकाया भुगतान स्नातक कन्या उत्थान योजना की राशि सभी छात्राओं को जल्द से जल्द भेजने आदि मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। मौके पर विक्की कुमार की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रगतिशील जनसंघर्ष मोर्चा के प्रदेश प्रभारी चंद्रभूषण झा ने कहा कि नीतीश मोदी डबल इंजन सरकार हमेशा से छात्र विरोधी रवैया अपनाते हुए हैं और नीतीश कुमार का छात्रों के प्रति नकारात्मक रुख इसी से पता चलता है कि लॉकडाउन में लाखों छात्र अभी भी जहां तहां फंसे हुए हैं लेकिन बिहार सरकार निद्रा में सोई हुई है। आज हम लोग जो यहां पे पुतला दहन कर रहे हैं नीतीश सरकार का, ये इसी के लायक है। जो हमारी मांगे हैं वो दो मांगे हैं, जो स्कूल समय जब फी की जो कलेक्शन हो रही है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी दयनीय है और इस परिस्थिति में भी स्कूल से फ़ोन आ रही है बच्चे लोगों की गार्जियन को जो पैसा चाहिए, फ़ी चाहिए। और जितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे किराया पे रहते हैं, रूम रेंट रहते हैं, हम इन सबों को मांगों को लेकर के आज पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रियंका झा, नव सृजन प्रतिज्ञा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। छात्र सेना मिथिला विश्वविद्यालय इकाई की ओर से आयकर चौराहा के पास हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला रूम रेंट माफी के लिए, छात्रों का जो रूम रेंट पिछले 3 महीने का कोरोना काल में जिस तरह से जब छात्र थे नहीं उसका मांगा जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने आज मांग किया है। संबंध महाविद्यालय के जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं उनके जो बकाया राशि है उनको आज तक नहीं मिला है पिछले 4-5 महीने का। जो छात्राएं हैं जिन्होंने स्नातक पास किया था 2015-18 और 16-19 में, उन लोगों को आज तक उनका जो पैसा था वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इन मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है और हमारा मांग है पूरे छात्र सेना और छात्र संघ सीएम साइंस कॉलेज का ये मांग है, जब तक रूम रेंट माफी नहीं किया जाएगा छात्रों का तब तक हमारा ये आंदोलन चलते रहेगा। आज दरभंगा जिला के अंदर सभी प्रखंडों में हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है और आने वाले दिनों में हम लोग पूरे बिहार के अंदर में इस आंदोलन को तेज करेंगे। जब तक छात्रों का 3 महीने का रूम रेंट माफ नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जिंदाबाद।